Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और हाँ, यहाँ मैं आपके पास आ चुका हूँ वो वीडियो लेके जिसके बहुत सारे टेस्ट मुझे मिल चुके हैं कि सर UGC NET की प्रिपरेशन की वीडियो डालिए. Please, we want the tip to crack the UGC NET at the first attempt. जी हाँ, first attempt में आपको क्लियर करना है. तो यहाँ है आपके टिप्स. इन टिप्स को आपको फॉलो करना है और हाँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आई अश्योर यू दैट वी आर गोइंग टू क्रैक द नेट एट वेरी फर्स्ट टाइम. अब नेट और जेआरएफ में क्या फर्क है तो एज बार को क्लियर करेंगे. यहाँ पे डिटेल आपको सब किस्म मिल जाएगी, लेकिन यहाँ इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ टिप्स की बात करें कि किस तरह हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट को क्लियर करेंगे. जी हाँ, फर्स्ट हमने क्रैक करना है नेट को, तो क्या क्या ऑन टिप चाहिए, हाउ गोइंग टू रूल आउट ईच एंड एवरीथिंग. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो द कंप्लीट सिलेबस एंड द पैटर्न. जी हाँ, सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे पैटर्न में स्लाइटली सा चेंज है जो लास्ट ईयर हुआ, और सिलेबस में किसी तरह कोई चेंज नहीं है, सिलेबस रिमेन द सेम. जी हाँ, आपके पेपर 3 से कम हो गए, 2 हो चुके हैं. अब आपको प्रिपेयर करनी और बड़े इजिली आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, बड़े ही इजिली. ये एज कंपेयर टू ओल्डर फॉर्म अब पेपर ईजी है और आप इजीली क्रैक भी कर सकते हैं. तो आपने कहा सर हाउ वुड आई एम गोइंग टू क्रैक द पेपर, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, प्लीज लेट मी नो इन डिटेल्स. तो उसके लिए पहले आप कोर्स को जानेंगे, कोर्स क्या है, कोर्स को कैसे वर्कआउट करना है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, किन चीजों को ऑन टिप करना है. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल से मास्टर लेवल के पूरे कोर्स को ऑन टिप करना है. देन यू नीड टू बाय द सर्टेन बुक्स. जी हाँ, द सर्टेन बुक्स दोज आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर योर प्रिपरेशन. आपने कहा सर मार्केट से बुक्स लेनी है, जो मार्केट में अवेलेबल है प्रिपरेशन के लिए फॉर द स्पेशली फॉर द नेट जेआरएफ. इजी मार्केट में जाएंगे, कुछ अलग अलग बुक्स आएंगी. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10-12 बुक्स लें मार्केट में, उनको जाके ऑब्जर्व करें, बुक सेलर आपको बुक देखने देगा आराम से. जिस भी बुक की लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा अपील करती है, सबसे ज्यादा टेम्प्ट करती है, आप उसको लें, वो अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें. एंड रिमेंबर, इस कोर्स को जानने के साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि आप लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, इसके पैटर्न को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, क्योंकि पैटर्न यही रहने वाला है, पैटर्न वुड नॉट चेंज. आप नेट प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी. रियली किसी भी सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, वेदर यू डूइंग फॉर मास्टर्स और रियली कॉमर्स और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन और ब्ला ब्ला ब्ला, आपकी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली. सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस जाना है, सिलेबस के साथ साथ आपको पैटर्न जाना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है. ये तो है वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जी, सबसे पहली चीज जरूरी है जो हमें ध्यान रखनी है. एंड देन कम आउट द सेकेंड वन, प्रिपेयर आर शेड्यूल. जी हाँ, प्लीज गो बैक टू योर बेसिक्स, गो बैक टू योर बेसिक्स. जब हम 10th और 12th में थे, हम एक शेड्यूल बना के प्रिपरेशन शुरू करते थे. वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विद अ प्रॉपर शेड्यूल कि कौन सा टाइम स्लॉट किसको देना है, कहाँ पे किस चीज को वर्कआउट करना है. तो आज से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारा एम है कि मैक्स टू मैक्स विद इन 1.5 मंथ 45 डेज सेट अ टारगेट ऑफ 45 डेज. जी हाँ, 45 डेज. उसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, कंप्लीट कोर्स करना है. अब आप सिलेबस को कितने पार्ट से बांटते हो, इट्स ऑल अप टू यू. आपको जितना इजी लगता है आप उतने पार्ट्स कर सकते हैं, मे बी 10, मे बी 12, मे बी 18, मे बी 22. जी हाँ, मैंने ये नंबर्स दिए, इन नंबर्स का एक रीजन है जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाई आई सेड सो. आपने कहा सर हमने ये नंबर्स दे दिए, इन नंबर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे सिलेबस को. अब सिलेबस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए शेड्यूल फॉर्म करेंगे कि क्या शेड्यूल है, कैसे काम करना है, शेड्यूल पे कैसे वर्कआउट करेंगे, ताकि हम एक एक बेसिक को क्लियर कर पाए एंड गेट आवर ड्रीम मार्क्स. जी हाँ, हमारा पहला टारगेट है कि जो भी स्कोरिंग आ रही है, जो भी सेटअप टारगेट है, उसको अचीव करना है. उस सेटअप टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी लिमिटेशन होम करनी है, उनके लिए हम सिलेबस की बात करते हैं कि हमने क्या शेड्यूल तैयार किया, उस शेड्यूल को रोल करना है, क्या है चेंजेस, क्या है कैसे करना है, हमें समझना जरूरी है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैप दैट बेसिक्स. देन जंप टू नेक्स्ट वन, कलेक्ट ऑल अवेलेबल रिसोर्स फर्स्ट. जी हाँ, सबसे पहले सारा का सारा रिसोर्स जो भी है
मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे प्रिपरेशन के लिए सिलेबस चाहिए कंप्लीट, उसके लिए जो जो हेल्प बुक्स हैं जो मुझे इजीली गायब करती हैं वो चाहिए, आई नीड टू हैव द लास्ट ईयर पेपर, जी हाँ जिससे मैं पैटर्न समझाऊँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे उनको लेके एनालाइज करना है कि क्या कोई क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, हाँ ये चेक कर लेना, कुछ क्वेश्चन कुछ सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली रिपीटेडली होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होने बाद, तो आप उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये एक अच्छा बेनिफिशियल टर्म है जो आपको हेल्प करेगा कि आप इजिली रोल कर सकते हैं, दैट वाज द थर्ड पॉइंट, देन जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट वाज द स्ट्रेटजी, मेक अ स्पेशल पैन, जी हाँ दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ स्पेशल पैन, एक स्पेशल पैन तैयार करना बहुत जरूरी है, यू रियली नीड टू प्रिपेयर अ स्पेशल पैन टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स, अगर आपको मैक्सिमम नंबर लेने हैं और नेट को फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है, यू वांट टू क्रैक नेट एट द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट स्ट्रेटजी, जी हाँ अगर वो स्ट्रेटजी है तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे, यू नॉट एबल टू ग्रैब योर ड्रीम मार्क्स, वो ड्रीम मार्क्स आएंगे फर्स्ट टाइम में नेट को क्रैक करना है, नॉट इन जोक, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे फॉलो करेंगे, कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए मेक अ स्ट्रेटजी, जी हाँ मेक अ स्ट्रेटजी एंड रूल आउट दैट थिंग्स, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन जंप अप टू नेक्स्ट वन, दैट इज रिमेंबर एंड प्रिपेयर पेपर वन फर्स्ट, अब यहां जब नेट की प्रिपरेशन का लेते हैं ना, तो कई स्टूडेंट हैं ऐसे जो पेपर टू पे इतना टाइम दे कि पेपर उनको हो जाते हैं, रिमेंबर पेपर वन इज द स्कोरिंग पेपर, you cannot avoid that paper, you have to clear that paper, that is really very very important, agar wo paper clear hoga acche number se you can clear that paper, then you can jump up to this one, you really need to clear that paper with really flying colors, so flying colors ke maximum marks, sabse zyada scoring hai first paper, आपने कहा सर 10 सेक्शन बनते हैं, 10 सेक्शन नहीं 8 सेक्शन ऐसे हैं जो हमें ऑन टिप होंगे, कोई दो सेक्शन ऐसे होंगे जहां पे हमारे पास सच में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो प्लीज यूज योर बेस्ट टेक्निक टू ग्रैब दैट टू टॉपिक्स, क्योंकि वहां 10 के 10 टॉपिक को ऑन टिप करो और इजिली ग्रैब कर सकते हो वहां पे लीस्ट टू लीस्ट 120 प्लस आउट ऑफ दैट 150, तो आपने कहा सर हाउ आई एम गोइंग टू वर्क आउट, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे नंबर लेके आऊंगा, ये यहां ध्यान रखना है, तो पेपर वन पे कंप्लीट स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर वन ही हमारा क्या होगा एक बेस क्रिएट करेगा, जिस बेस से हम रूल आउट करते हैं कैसे करना है, कैसे मैं उस चीज को रूल आउट कर पाऊं, एंड देन द लास्ट वन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो आपने प्लान अभी तक किया है उसको इंप्लीमेंट करना है, समाओ हम लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, इजिली समझा भी देते हैं, लेकिन क्या हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, क्या आज से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, स्टार्ट योर स्ट्रेटजी विद वन आवर डेली, वन आवर एक्सीड करेंगे 3 घंटे तक, लेकिन ब्रेक्स में करना प्लीज, डोंट सिट रियली फॉर मोर देन 45 मिनट्स एट अ वन स्पॉट, प्लीज ब्रेक देके पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट योर टाइम विद अ सर्टेन ब्रेक्स, आपने कहा मैं कैसे शुरू करता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, उसके बेनिफिट क्या होंगे, जब आप शुरू करेंगे इस स्ट्रेटजी को विद अ ब्रेक्स ऑफ 45 मिनट्स तो आपको पता लगेगा होगा क्या, हम बैठेंगे पहली सेटिंग मैक्सिमम 45 टू 50 मिनट्स होनी चाहिए, उस सेटिंग में आपने कोई एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक का कोई एक वर्जन कंप्लीट करना है, जी हाँ जब आपको कंप्लीट हो जाए देन जंप अप टू द अदर वन, वन बाय वन आप रूल आउट करोगे बेसिस को और चीजों को समझना शुरू करोगे, आप आते हैं कुछ बेसिक मैजिकल वर्ड्स पे, मैजिकल वर्ड्स सच एज हियर यू कैन सी द फेस ऑफ दिस गाय, ये वो स्टूडेंट है जो मेरे पास बेचारा आया था लास्ट सेशन में, जो 4 से 5 अटेंड कर चुका था और उसका क्लियर नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं 5 नंबर 10 नंबर से रह जाता था, हर बार आया था, रीजन द पुअर स्ट्रेटजी, द पुअर स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं था क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं पता था कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, बट स्ट्रेटजी पुअर और उसकी इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, 4-4, 6-6 घंटे बैठ के एक बार में पढ़ने से नेट क्लियर नहीं होता, नेट क्लियर करने के लिए आपको एक फोकस माइंड चाहिए, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सर्टेन थिंग्स, आप कैसे काम करते हैं, काम करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को क्लियर करना है, दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो क्रिएट अ फोकस और कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक थिंग्स,
पहली चीज। और हाँ, अगर आपको आना है, जम करना है किसी कंक्लूजन पे, और एंड ऐसा होना चाहिए यू वॉन्ट अ स्माइलिंग एंड, जहां पे आपके पास नेट क्लियर का सर्टिफिकेट हो, आप एक नेट क्वालिफाइड बन चुके हो, तो उसके लिए प्लीज फॉलो करें इन स्ट्रेटेजीज को। ये हैं टिप्स जो आपको हेल्प करते हैं क्रैक करने में इजीली नेट को। ऐसे नहीं कि नेट बहुत टफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं नेट बहुत इजी है, अब फर्स्ट टाइम में जाएंगे और फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं और आज भी नेट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द रिमेंबर द बेसिक स्ट्रेटेजी इज द रियली टू नो ईच एंड एवरीथिंग एंड देन गो फॉर इट। विदाउट प्रॉपर और फुल नॉलेज यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट्स। तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज चाहिए, आपको कैसे वर्कआउट करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, एंड हाउ यू गोइंग टू ग्रैप योर ड्रीम टू बी अ नेट रियली। आपने कैसे नेट क्लियर करना है तो उसकी स्ट्रेटजी रहेगी। होप आप लोग फाइंड करेंगे और इस चीज को रूल आउट करेंगे इन योर प्रिपरेशन। टिल देन कीप वॉचिंग, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मिलते हैं जल्दी।